नो कर्फ्यू नो बंदा और वहां पर है सब चंगा। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। और भाइयों बहनों, रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है। मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पर समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू नो दंगा और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। और भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य ही है आज विकास हरेक स्तर पर देखने को मिलता है। हरेक स्तर पर हमें डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिलते हैं। हम तुष्टिकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं।